बैंक अकाउंट अपडेट करने के नाम पर 2 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। एक शख्स को खाता अपडेट करने के लिए मैसेज आया, इसमें एक फर्जी लिंक थी। लिंक पर क्लिक करने से खाते से जुड़ी जानकारियां मांगी गई और जानकारियां डालते ही अकाउंट से 2,16,000 रुपए पार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज किया है, अब अपराधी की तलाश शुरू की गई है। और अब अंबिकापुर की घटना आपको बताएं, जहां छात्र छात्राओं पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। हमले के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं हमले में घायल हुए हैं। मणिपुर प्राथमिक पाठशाला का यह पूरा मामला है। फौरन अस्पताल ले जाया गया उन छात्र छात्राओं को जो इस हमले का शिकार बने। अंबिकापुर का जिक्र, छोटे छोटे बच्चे थे जिन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि कई ऐसे मामले आपने भी देखे होंगे जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति मधुमक्खी के हमले के चलते कई बार जान भी गंवा देता है। तो ये बहुत बड़ी घटना इस लिहाज से कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जिन पर मधुमक्खियों ने हमला किया था। अफरा तफरी का माहौल बना, फौरन आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 12 से ज्यादा बच्चे हैं। सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रवण, पूरी घटना के दौरान क्या हुआ है जानकारी? चलिए कोशिश करेंगे श्रवण से संपर्क करें, लेकिन बड़ी घटना है। और अब सवाल इस और भी पैदा होते हैं कि जब पता था कि यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है और यहीं पर स्कूल संचालित होता है, तो इससे पहले इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? तो ये सीधे सवाल जो प्रशासन से भी पूछने चाहिए। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या हुआ है घटना के दौरान? कुछ सौ चल रहा था मणिपुर प्राथमिक शाला के में, और जो हमले में घायल हुए हैं वो बच्चे प्राथमिक शाला के भी हैं और माध्यमिक शाला में भी हैं। और वजह यह है कि स्कूल के पास ही जो पानी की टंकी बना हुआ है उसमें कई मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान किसी तरह वो जो मधुमक्खी हैं वो आक्रोशित हो गए और वो डायरेक्ट जो बच्चे हैं उनको काटना शुरू किया। और इस हमले में तकरीबन दोनों माध्यमिक और प्राथमिक मिला के एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। और थोड़ा राहत की बात यह है कि जहाँ पे ये स्कूल है वहाँ से 100 मीटर के दूरी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, तो तुरंत ही उन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस तरह से वो मधुमक्खी के छत्ते और हमला, एक बड़ा हादसा हो सकता था वहाँ पे। ठीक है श्रवण, आप बनी रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे।